बच्चा उसके फ्यूचर के बारे में क्या करना है. सो ही गॉट रियली अपसेट एंड ही गॉट रियली वाइल्ड एंड ही सो स्मार्ट. घर में जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमराज लगे होते हैं वहाँ पे ही डजंट डू एनीथिंग. बट जिस भी कमरे में लगे, इन आवर बेडरूम देयर इज नो सीसीटीवी कैमरा, वहाँ पे ही यूज टू ऑलवेज बिहेव बैडली विद मी. एंड ये चीज़ मैंने 2-3 दिन बाद नोटिस की, क्योंकि अब तक तो हम मिले ही नहीं थे जब से डिवोर्स की बात हुई थी. सो एनीवे, करण हैड केप्ट अ बुक इन फ्रंट ऑफ अ सीसीटीवी कैमरा जब से वो आए थे. बीच बीच में निकालते थे, बीच में डालते थे, जब तक उनको करना, जब उनको खोलना होता था खोलते थे. फिर ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो लिविंग हियर, वी आर ऑल्सो नॉट कम्फर्टेबल. तो मैंने वो कैमरा ऑफ कर दिया 8-10 दिन पहले. मैंने कहा कि यू नो आई एम चेंजिंग, विक्की हैज़ कम नाउ, यू नो ऑल दोज थिंग्स. एनीवे, वी वर इन द रूम, आई टोल्ड करण दिस इज़ नॉट हैपनिंग, यू हैव टू डू समथिंग बिकॉज यू नो इट्स मी एंड द चाइल्ड एंड एज एक्टर्स वी आर इनकन्सिस्टेंट. मैंने करण को बोला जो उन्होंने आप लोगों को ये बात बोली, जो जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि दिस इज़ अबाउट मनी, दिस इज़ अबाउट मैंने कोई फ्रॉड किया है. खैर अभी यू गाइज आर द मीडिया, पुलिस को मैंने सारा प्रूफ दे दिया है अबाउट बैंक स्टेटमेंट्स. करण टुक ऑल माई ज्वेलरी, ही मैनिपुलेटेड मी इनटू टेकिंग माई ज्वेलरी. आई गेव इट टू हिम बिकॉज आई थॉट ही इज़ माई हस्बैंड, राइट. पर मुझे नहीं पता था कि पीछे से उनका क्या चल रहा है. ही सेड यू नो वी आर अंडर सो मच फाइनेंशियल प्रेशर, घर है ये वो. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बेच दो घर, हम छोटे घर में चले जाएंगे, आई एम विथ यू. सो इन माई, फ्रॉम माई साइड आई हैव बीन सपोर्टिव. इवन मैंने कहा कि लुक वी, जो उन्होंने आप लोगों को शायद कुछ एलिमनी की बात की है, तो मैंने कहा इवन इफ वी नीड टू डिसाइड ऑन अ फिगर, क्योंकि अब तो हम अलग हो रहे हैं, राइट. आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू बी अनरीजनेबल, आई एम नॉट गोइंग टू गेट डिटेल्स, गोइंग गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. बट आई सेड वी हैव टू डिसाइड ऑन अ इन अ वे दैट ये आपके ऊपर भी भार ना है और मेरे ऊपर भी भार ना है. एंड करण हैज़ बीन एक्सट्रीमली बैड व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टिंग समथिंग लाइक दैट. ही सेड अगर मैंने उसको बोला है कि जब भी हम ये घर बेचेंगे काविश को भी एक हिस्सा दे देंगे बिकॉज हमने उसके पैसे भी यूज़ किए हैं जो उसने कैंपेन्स में कमाए हैं. जो मैंने करण को मना किया था मत करो, यू नो देयर इज़ अ लाइन यू नीड टू ड्रॉ, यू कांट डू एनीथिंग, यू नो. एंड नहीं हो पा रहा है तो जस्ट रिलीज द थिंग, यू नो आई एम विथ यू. फिर मैंने देखा नहीं, करण कोशिश कर रहे हैं, उनको नहीं लेट गो करना है. तो मैंने बोला ले लो फिर आप मेरे पास जो, मैं आपको हेल्प करूँगी, यू नो. सो ऑल माई स्त्री धन, ऑल द ज्वेलरी दैट आई गॉट, एवरी थिंग दैट आई हैव, आई गिव हिम एवरी थिंग एंड आई डिडंट बैट एन आईलिड. और उसके बाद वो ये बोल रहे हैं इट्स अबाउट फ्रॉड. जब मैं करण, सॉरी, घर हमने 7 साल पहले खरीदा है, ज्वेलरी जून 2020 से बिकी है. ईएमआईज जो भी हमारे लोन्स हैं, जो करण ने कई सब फाइनेंशियल, क्योंकि ही इज़ द फाइनेंशियल हेड, मेरे इन्वॉइसेस भी वो ही रेज करता है, मेरे कैंपेन्स के कई इन्वॉइसेस, कई बिल्स उसने अपने अकाउंट में लिए हैं जो मैंने और काविश ने किया है, वो ये सब उसने करा हुआ है. आई डोंट वांट टू लाइक टॉक टू मच इनटू इट बिकॉज़ इट्स पूरा दिन लग जाएगा ये बात पे. हाँ, उन्होंने मेरे पर हाथ उठाया है, ये बहुत ही आम बात है. बट ही इज़ एन एक्टर, ही स्मार्ट, ही अंडरस्टैंड्स कैमराज. कई बार ऐसा हुआ कि मेरे फेस में ब्लैक एंड ब्लू हुआ, कई बार वो कभी मुझे पंच कर देंगे, कभी बैक से. यू कांट शो प्रूफ, नीदर डू यू क्लिक पिक्चर्स. ये पहली बार. नो नो दैट वन, या ये पहली बार. सो दीज आर द इमेजेस इधर, जो पहले की हैं ये इमेजेस. और मैंने लाइक आई सेड, मैंने हर बार नहीं लिए हैं ये इमेजेस. हर बार ऑब्वियसली आप नहीं करते हो, राइट. आपको क्या पता कि आज से कितने साल बाद ये ऐसा कोई मैटर होने वाला है. But why you were tolerating all this since so because long? I love him. Because I still love him. Because I still do. And I was stupid. Because I still do, right? It came as a slap on my face because he was having an affair. I was not ready to like split up with him or anything. Sir, आप थोड़ा सा center में आ जाएं क्योंकि वो camera या फिर madam को दे दीजिए. This is last night. यहाँ पे देखिए. इधर इधर. You know what guys, this is not easy for me, okay? Especially I'm in the glamour world as well. I'm always used to looking pretty, talking to the camera with makeup on, giving each other strength. But today I want to stand up for this because it's an example I want to set for my child. I don't want him to grow up and say, Mom, you should have stood for your rights.
एंड आई डोंट वॉन्ट अ फादर लाइक करण फॉर माई चाइल्ड हु इज अनएथिकल. अगर आपका किसी और के साथ है, कुछ भी है, बोल दो, लेट्स सॉर्ट इट आउट, लेट्स सी इट सेपरेटेड, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू मेक इट सो डर्टी. बट ही लॉस्ट हिज प्लॉट कल, क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया कि जो तुमने किया, तुम बहुत ही गंदे आदमी हो, तुम इतने गंदे हो, आई सेड एवरीथिंग दैट आई शुड हैव, जो अननेचुरल नहीं है, किसी को भी गुस्सा आएगा तो बोलेगा, बट मैंने बॉटल अप करके रखा था वो इतने दिनों से. सो करण गॉट अपसेट, ही स्टूड अप एंड ही लेफ्ट. मुझे लगा वो कमरे के बाहर चला गया. जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगी, ही हेल्ड माई हेयर एंड ही पुश्ड मी ऑन द वॉल. शायद उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, या यू नो आई डोंट नो कि इतना कुछ हो जाएगा. उसको लगेगा, लगा होगा ये शायद हो जाएगा, यू नो, हाउएवर. एंड देन व्हेन द ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग, आई रियलाइज्ड कि क्या हुआ है. तब तक ही हैड ऑलरेडी टेकन माई गला एंड पिंड मी ऑन द वॉल. सो आई सेड, व्हाई डू यू हेट मी सो मच. जब मैंने ये किया तब, और सब लोग घर पे थे, मेरी मॉम घर पे थी, विक्की घर पे थे, हमारी सर्वेंट घर पे थी, और क्योंकि ये रात का हुआ तो काफ़ी सो रहा था, थैंक गॉड, बिकॉज दैट इज समथिंग आई वुड हैव नेवर फॉरगिवन इफ ही हैड सीन ब्लड और समथिंग. देन आई सेड ओके, एंड आई रियली थॉट इतना होने के बाद भी कि मैं क्या करूँ. देन आई डायल 100. आई सेड नाउ आई हैव टू स्टैंड, एंड द पुलिस केम होम. एंड उसके बाद आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड देन आई कॉल्ड माई लॉयर बिकॉज आई डिडंट नो. करण ऑल्सो रिवील दैट यू कंसल्टिंग साइकेट्रिस्ट एंड यू आर वेरी अग्रेसिव. यस, बाइपोलर है, बाइपोलर. सबसे पहली बात, आप में से कितने लोगों को पता है बाइपोलैरिटी क्या होती है? करण ने कुछ कहा, आप अब उसका क्वेश्चन बना के मुझे पूछ रहे हो. आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू एंड फ्रॉम यू, वॉट इज बाइपोलैरिटी? एक इल्ज़ाम है. कैसे है इल्ज़ाम? को इल्ज़ाम तब बोला जाता है जब आपको लगता है कि वो इल्जाम वर्दी है. तो आप पहले बताइए, करण का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से यू वर वेरी अग्रेसिव व्हाइल डेटिंग, आल्सो यू यूज्ड टू नो थ्रोस. डिड आई कम अक्रॉस लाइक दैट एवर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल? कि उन्होंने, आपने उन पे हाथ उठाया, आपके भाई ने भी हाथ उठाया, ऐसा भी कहा? मारा. सी, आई विल टेल यू व्हाट दीस आर द थिंग्स दैट हैपेंड. ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू से दिस, ही इज नॉट गोइंग टू से हां मैंने किया है. जो इंसान का कोई कॉन्शियंस ही नहीं है, अपने बच्चे के लिए नहीं है, अलग होते वक्त नहीं है, आप पीछे से जाके कुछ कर रहे हो, उस इंसान के कॉमेंट में मैं क्या बोलूँ? इट्स नेचुरल ही वॉज गोइंग टू से दैट. दिस इज नॉट शॉकिंग फॉर मी, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स वर, क्योंकि मैं अभी भी स्टूपिड हूं. मुझे लगता है ऐसे बोला करण ने, ऐसे बोला. यहाँ आने के पहले मैं बहुत रोई हूँ उसके हर स्टेटमेंट पर. एंड दैट्स, वो ये भी कह रहे हैं कि आपने खुद ही हेड बैंक किया. आई नो ही इज सेइंग दैट, बट व्हाई वुड आई डू दैट? आई एम एन एक्टर, माय फेस इज प्रेशियस, आई हैव अ चाइल्ड, व्हाई वुड आई डू दैट? दूसरी चीज, लेट मी टेल यू अबाउट बाइपोलैरिटी. ये जो मैंने इमेजेस आपको दिखाई थी, बाइपोलैरिटी इज अ मूड डिसऑर्डर. इट हैपन्स ड्यू टू एक्सट्रीम ट्रामा एंड इट्स जेनेटिक समटाइम्स. ओके, I was diagnosed with bipolarity. I'm not gonna lie about it. I'm not ashamed about it. And it is not a pagal, jaise wo bol raha hai. Okay, it's a mood disorder. It's a mood disorder. And you all know how balanced I am. I create content. I write about things. I talk about things. Okay. I don't have to prove that. I'm, like I said, I'm not here to prove anything. Right? जो पहली images मैंने आपको दिखाई, that was of 2014. उसके बीच में भी बहुत कुछ हुआ. आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ प्रूफ, बट लाइक आई सेड एवरीथिंग आई कांट शो टू यू ऑल. वी हैड लॉस्ट आवर चाइल्ड. अगर आप लोगों से किसी को पता हो ये बात, कि 2014 सितंबर में आई वॉज 5 months प्रेगनेंट एंड आई लॉस्ट माई चाइल्ड. एंड आप लोगों को पता होगा, मैंने रिसेंटली एक मॉम्स ग्रुप बनाया है फॉर वीमेन हु लॉस्ट देयर चिल्ड्रेन, यू नो, कम एंड टॉक. क्योंकि जब मुझे उस सपोर्ट ग्रुप की ज़रूरत थी तो वो सपोर्ट ग्रुप नहीं था हमारी कंट्री में. तो जब मैंने बनाया लॉस दैट चाइल्ड और करण का अब्यूजिव बिहेवियर, ये उसके बाद की इमेजेस थी. आई वॉन्टेड टू गो एंड टॉक टू माई थेरेपिस्ट बिकॉज दिस इज एक्सट्रीम ट्रामा. व्हेन अ वुमन गोज टू, यू नो, व्हेन शी लूजेज हर चाइल्ड एंड इन द मिडल ऑफ इट द हस्बैंड इज बीटिंग यू, इज इमोशनली अनअवेलेबल, ही वॉज टोटली डिटैच्ड, यू नो. एंड दैट्स व्हेन आई वेंट टू माई थेरेपिस्ट. हालांकि करण ने मुझे रोका था, ही नेवर लेट मी गो टू द जिम, हर चीज़ में ही वॉज वेरी कंट्रोलिंग. सो आई वेंट टू द डॉक्टर. आई सेड दैट not because of any reason, but because I thought that maybe I needed to counsel. And today mental health is given so much importance. जो आज से शायद 5 साल पहले मुझे कोई क्वेश्चन पूछता तो मैं बोलती हाँ मुझे भी नहीं पता है, जो कि एक्चुअली यू नो 2014 में ही हुआ है. एंड आई वॉज डिटेक्टेड विद अ डिप्रेसिव फेज ऑफ बाइपोलैरिटी, ठीक है. एंड आई टुक मेडिकेशन फॉर इट फॉर अबाउट 2 to 3 months एंड इट वॉज फाइन. ये कब की बात है? 2014 की. उसके बाद I've got that because मुझे पता था आप लोग ये क्वेश्चन पूछोगे. He said something like I'm on medication, right? He said I was living with a patient since like 4-5 years. I don't know what this is. Just hurt me. नहीं. Mama, we are with you. Why are you stressing? Nisha, you're stronger than this. Yeah. ये सब गलत है, तुझे पता है.
Nisha, we have to show both the sides. That's why we are asking you these questions. Nothing to hurt you. You're not here to show your It just shocks me na ki aadmi ko kitna fake ho sakta hai. My last medication was for anti-anxiety. It has got nothing to do with bipolarity. You all know what anxiety is, because obviously this man was troubling me. I was not okay, right? It was, my last medication was given on 5th of August 2020. I have the prescription for my doctor. It was just a medication for anti-anxiety, and which was a very mild dose. My doctor's name is Dr. Kasi Chavda. He's a psychiatrist. You can reach out to him and ask him about my mental condition. And Nisha, what about the child custody? The 2 months that you were living. What? The 2 months that you were living. That's it, that's how much we are here. Wait. So Karan has been extremely ignorant. Jaise ki maine aapko bataya ki when I lost a child, a woman needs therapy, one woman needs to talk to somebody, right? He stopped me. I wanted to work out, he stopped me. Chote chote incidents like I got hurt ghar pe. Apne aap ye chair se takra ke mere pair mein lag gayi thi kuch mahine pehle. And I kept saying mujhe doctor ke paas jana hai, mujhe x-ray karna hai. Ab aap logo ko lagega a strong girl like you, why are you taking permission? Because Karan had all control. मेरे अकाउंट में भी कुछ आता था तो ही वुड ट्रांसफर इट टू हिज अकाउंट एंड देन ही वुड डू वट एवर ही हैज टू डू वेदर ही वुड पे लोन्स वेदर ही वाज डूइंग वट एवर अब मेरा तो ट्रस्ट लूज ही हो गया आई डोंट नो नाउ व्हाट इज द रीजन राइट कि वेदर द रीजन वाज ही इज गोइंग एंड मीटिंग अनदर पर्सन आई डोंट नो व्हाट इट वाज सो दीज एंड दो महीने तक आई लिव्ड इन दैट फ्रैक्चर्ड फिंगर इट वाज अ आई थिंक इट वाज अ चिप ऑफ अ बोन और समथिंग 2 mm बोन एंड दैट यू कैन कन्फर्म विद माई डॉक्टर आशीष जैन हु इज एन ऑर्थोपेडिक And I don't know what else can I tell you guys. Is there anything else that you want to ask me? Nisha, do you know that girl? No. Kavish doesn't know because father is not in the city. He's out in Chandigarh most of the time, right? So he's not here. And Kavish has an excellent routine, right? He goes to bed at about 7:30, 8:30. It's not like we were fighting in front of him. I never let anybody know about it. But Kavish is also not attached. Matlab Karan... 14 डेज करण यहाँ थे काविश ने करण का दरवाज़ा शायद एक बार खटखटाया होगा और करण ने उसके साथ शायद 4 वीडियो कॉल्स किए होंगे वो भी मेरे पूछ के कि यार काविश यहाँ पे है ही नोज दैट पापा इज हियर आप उससे बात तो कर लो सो व्हाट एल्स कैन आई से अबाउट दिस काविश इज परफेक्ट ही इज फाइन लास्ट मंथ जब ये बात उठी थी कि रिश्तों में थोड़ा सा कटास आ गया है तो अभी आप अपने थोड़ा सा अगर बात उठाते तो शायद कुछ ऐसा ना होता कैसा ना होता कि मेरे मुझे चोट नहीं लगती वो तो कई बार ही होती थी पर तब आप अगर बोलते तो शायद सी देयर इज नो व्हाई एंड देयर इज नो रीजन व्हाट व्हाई आई डिडंट डू इट बिकॉज़ आई लव्ड हिम बिकॉज़ आई सॉ ही हैड एन अफेयर एंड आई वाज नॉट रेडी टू लेट गो बिकॉज़ आई लव्ड हिम दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम आई डोंट गिव अप ऑन पीपल इजीली बट यू वर लिविंग विद समवन Yes, I was. And that's why I went through that depressive phase is what I'm trying to say. I was. And my mom has been living with me for 2 years. A lot of my friends, lots to matlab se Rohit hai, Munisha, these are close friends, right? Munisha se I've consulted her for tarot. They know that things like that were happening. This is not an overnight thing. Aap logo ke liye ye shocking hai, par mere jo close friends hai, unko pata tha ye ho raha hai. मेरी मम्मी को नहीं पता था बिकॉज ऑब्वियसली आप अपनी मम्मी को हर्ट नहीं करना चाहते आप सोचते हो कि दोस्त तो एक बार समझ जाएंगे राइट यस आई डिड नॉट डू इट बिकॉज आई लव्ड हिम सो देयर इज नो रीजन कि आपने पहले क्यों नहीं किया और आपने अब क्यों किया